हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप मुल्तानी मिट्टी से इन गर्मियों में अपनी टैनिंग को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आपकी स्किन के लिए एक हेल्दी फ्रेंड का काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, ये केमिकल फ्री होता है, इसलिए आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है। सिंपल, अगर आपकी स्किन ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप सिंपल मुल्तानी मिट्टी में दूध मिलाकर लगाएंगे तो भी आप देखेंगे कि एक अच्छा सा ग्लो निकल के आएगा और आपकी स्किन फेयर आपको दिखेगी। मुल्तानी मिट्टी के अंदर कई गुण होते हैं। मुल्तानी मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। एंटी ऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, डिटॉक्सीफाइड करता है आपकी स्किन को। इसीलिए मैं मुल्तानी मिट्टी के गुणों से भरा फेस पैक आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं बताती हूँ मैं अपने फेस पैक में किन चीज़ों का यूज़ करूँगी। तो गाइज, मैंने अपना फेस पैक बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया है। इस तरह से आप घर में भी साबुत ला के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिलती है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और कोकोनट ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स, और इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर जो मैंने ग्राइंड कर रखी है। बहुत पाउडर फेस्ड, पाउडर फॉर्म में आप इसको बना लें, और इसको मैं सिंपल वाटर से मिक्स करके पेस्ट बनाऊँगी। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये मुल्तानी मिट्टी रखी है, ये 2 स्पून है। इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया है, 1 स्पून आप शुगर ऐड करें, और इसको मैं सिंपल वाटर से ऐड करके इस तरह से पेस्ट बना लूँगी। आप थोड़ा थिक रखें इसको, पेस्ट को, और कुछ ड्रॉप्स में इसमें कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। पैक रेडी कर लिया है। पर फेस पैक लगाने से पहले आप अपने फेस को ज़रूर क्लींस करिए। आप अपने वाटर से क्लीन कर सकते हैं, प्लेन वाटर से क्लीन कर सकते हैं, रोज़ वाटर से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप मिल्क से भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया हुआ है तो मैं इससे अपने फेस को क्लींस कर लूँगी इस तरह से, इस तरह से वेट करके इस तरह से, क्योंकि आपकी स्किन पर डर्ट होता है। आप घर पर भी रहते हैं तो डर्ट नॉर्मली वैसे भी स्किन पर होता है, जम जाता है, और ऑयल भी, जो एक्सेस ऑयल हमारी स्किन से निकलता है वो भी रिमूव होगा, तो एक अच्छा रिजल्ट दे के आएगा। इस तरह से प्लेन वाटर से आप क्लीन करें, या रोज़ वाटर से, जिस मर्जी से आपको क्लीन करना है वो आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ आपके स्किन का डर्ट और एक्सेस ऑयल रिमूव होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से क्लीन करें, और उसके बाद मैंने इस पेस्ट को थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि थिक पेस्ट थोड़ा अच्छा वर्क लेकर आता है। इस तरह से और आप इसकी 2 लेयर भी अपने स्किन पे लगा सकते हैं। और आप कोई भी फेस पैक जब लगाएं अपने स्किन पर तो उसे ज़्यादा ड्राई ना होने दें, क्योंकि वो आपके स्किन पर झाइयाँ बना देता है। तो इसलिए अवॉइड करें, कोई भी फेस पैक लगाएं उसको थिक क्वांटिटी में लगाएं, तो उससे उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है और आपके स्किन पर झाइयाँ आने के चांस भी कम रहते हैं। इस तरह से आप इसको 2 मिनट रहने दें, और उसके बाद फिर से आप इसके ऊपर 1 लेयर्स और लगाएं। मैं बचा हुआ है इसको हल्का सा दोबारा मैं इसको 1 लेयर और लगा रही हूँ इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जितनी थिक रहेगी आपकी स्किन को उतना डिटॉक्सिफाइड कर पाएगी। तो मैं इसको आधा घंटा ऐसे रखूँगी, और आप इसको सूखने न दें, इस तरह से स्प्रे बॉटल से अपने फेस पर हल्का हल्का स्प्रे करते रहें, और इसको आप इसको आधा घंटा अपने फेस पर रहने दें। तो गाइस, 1/2 आवर ओवर हो चुका है, और अपने फेस को थोड़ा सा वेट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसको वैसे भी ड्राई नहीं होने दिया इस तरह से। और आप कॉटन की हेल्प से अपने हाथों से भी वाटर स्प्रेड कर सकते हैं, और कुछ भी अपने फेस पे लगाने से पहले आप अपने हाथों को ज़रूर क्लीन करें। अब इसी से थोड़ा सा हल्का सा स्क्रबिंग आप कर
कर लें आधा घंटा लगाने के बाद, अगर आप और ज़्यादा टाइम लगाना चाहें तो और भी ज़्यादा टाइम लगा के रख सकते हैं, पर इसको ड्राई नहीं होने देना आपको। इस तरह से आप अपने स्किन पर अच्छे से मसाज करें। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, अच्छे से ग्लो निकल के आया है। शुगर के अंदर वाइटनिंग एजेंट होता है जो आपकी टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है। जब आप इसको फेस को वॉश कर लेते हैं तो कुछ आपको ड्राइनेस फील होता है, तो आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मैं इस टाइम एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से हाथ पे लेकर और हल्का सा रोज़ वाटर में इसमें ऐड करके इस तरह से अपने फेस पर इस तरह से हल्का सा 2 मिनट मसाज कर लूँगी, जिससे कि फेस थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहे, ड्राइनेस नहीं आए। क्योंकि फेस में बॉडी के किसी भी पार्ट में ड्राइनेस गर्मी में जल्दी आती है और ड्राइनेस हमारे किसी भी पार्ट के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए आप अपने फेस को थोड़ा सा कोई भी पैक लगाने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें।